पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से गौरा जी के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जान रहे हैं ना। आज के अंक में नैतिकता के बारे में जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में तात्कालिक लाभों के लिए नैतिकता और ईमानदारी को छोड़ते हैं तो उसके प्रति दुष्परिणाम होना अक्सर देखा जाता है। बच्चों को एक दिन दही नहीं होने पर, पतली छाछ डालने पर बच्चे दही के लिए रोते हैं। उस दिन रिश्तेदार आए हैं या बिल्ली दूध पीकर गई करके सच्चाई को माँ बच्चों को बताती है तो बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन गाय ज़्यादा पानी पी लिया है इसलिए दही पतला हो गया करके माँ बताती है तो बच्चों को तात्कालिक उत्तर मिलता है, लेकिन बच्चे घड़ी पकड़कर गाय के पास बैठकर उसे पानी नहीं पीने देने पर माता को झूठ बोलने में जो आपत्ति है उसकी पता हो जाती है। बच्चों को भूत का डर दिखाना भी ऐसे ही नालायकी है। बहादुरी से लड़ने वाला एक सेनापति भी खंडक में बैठने के लिए डरता था। उसके मन को मनोवैज्ञानिक तरीके से अवलोकन करने से पता चला कि उसकी माता बचपन में उसे अंधेरे कमरे में रखकर डराती थी। ऐसी छोटे छोटे झूठों से राष्ट्र और जाति को खतरा लाने वाले बड़े झूठों तक सब एक ही है। चुनावों में पैसे देकर मत खरीदना एक शुरू करेंगे तो विरोधी उससे ज़्यादा पैसे खर्च करने से वह हार जाता है। उसी प्रकार युद्धों में भी जिसकी वोर सच्चाई है उसको जीतने के बजाय जो ज़्यादा हथियारों का प्रयोग करता है वो ही जीतता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि साधन शुद्धि तथा निष्पक्ष साधन के लिए निष्पक्ष अंत होनी चाहिए। उसने कहा कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए सत्य और अहिंसा की आवश्यकता है। मानव जीवन में नैतिकता और ईमानदारी के लिए इतना महत्व होने की सवाल है। नैतिकता और ईमानदारी को कैसे पोषित किया जाए, इसके लिए बहुत समय से धार्मिक विश्वास को सहन के रूप में प्रयोग किया। धार्मिक नीति का आधार नैतिकता को पालन करने वालों को स्वर्गीय सुख प्राप्त होंगे और अनैतिक व्यक्तियों को नरक यातन अनिवार्य है, लेकिन स्वर्ग और नरक अप्रत्यक्ष और मृत्यु के बाद की बातें होने के कारण सभी को विश्वास नहीं बना पाए हैं और उन्हें नियंत्रण में नहीं रख पाए हैं। भ्रष्ट लोग सुर भोगों को भोगना और नीतिवान दबाए रखना हो गया है। मानव सभी एक ही जाति के होने पर आर्थिक अवसरों पर और सामाजिक मर्यादाओं और राजनीतिक अधिकार में कम ज़्यादा होना एक भयानक अन्यास है, मानवता के प्रति अपराध है। लेकिन अमीर और बड़े लोगों के प्रति सामान्य व नीतिवान उदासीन होकर उसके पापों के लिए वही चला जाएंगे करके सोचने से अन्यायों के लिए और मौका मिल गया। ऐसी अवस्था में भ्रष्टाचार और अन्याय से निपटने के लिए महात्मा गांधी की सत्याग्रह व्यवस्था जरूरी है। शुरुआत में महात्मा गांधी पारंपरिक धार्मिक परिभाषा का प्रयोग करने पर भी एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि की ओर आगे बढ़े। नतीजा यह हुआ कि लोगों में नैतिकता और ईमानदारी बढ़कर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की ओर नागरिकता की वृद्धि हुई। महात्मा गांधी की नीति ने दुनिया को आकर्षित किया। नीति का अर्थ है कहनी को करना और करनी को कहना। आज के अंक में नैतिकता के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Multi-Channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.